सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अजय तिवारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज मैं बताने जा रहा हूं MBPSC 2018 की तैयारी कैसे करें, कैसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि 50 दिनों में हम इसका पूरा ओवरऑल सिलेबस को कवर कर सकें, ठीक है ना। तो इसके लिए वैसे तो आप सभी लोग जेके पढ़ते रहते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है हम सब कुछ पढ़ते रहते हैं, साल भर से वही पढ़ते हैं, है ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, नॉर्मली 90% एग्जाम में जीके आती है और जीके में क्या आता है, जीके में वही होते हैं सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो भी है, इकोनॉमी वगैरह, साइंस हुई, सारा जीके में आता है ना, जीके का पोर्शन होता है, ठीक है। तो यदि मैं MBPSC की बात करूं तो प्री और मेंस दो एग्जाम होते हैं। पहला प्री एग्जाम होगा और प्री में जो मेन होता है वो होता है जीके का पेपर, है ना। तो जो जीके वाला पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का, और ये 100 नंबर से रिलेटेड इसमें सारे सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। सारे सब्जेक्ट मतलब जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी से क्वेश्चन आते हैं, पूरे 100 नंबर में डिवाइड रहते हैं। तो हमें पढ़ना किस टाइप से पढ़ना चाहिए, एक्चुअली होता क्या है कि कोई सब्जेक्ट बहुत विस्तृत है और 3 नंबर का आता है और कोई सब्जेक्ट कम है और वो आता है 25 नंबर का। तो यदि आप स्टडी नहीं बनाओगे और वैसे पढ़ते जाओगे, कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ने लगे स्टार्ट कर दिया, तो एक गलत तरीका पढ़ने का, सही तरीके पढ़ने के लिए आपको वेटेज के आधार पर पढ़ना चाहिए कि सिलेबस कम हो और वेटेज उसका ज्यादा हो, ज्यादा मार्क्स का आता हो तो उसको लोगो। तो सबसे पहले एक डायरी उठाओ और अपने हिसाब से एक ऐसा प्लानिंग बनाओ कि 50 दिन में सबसे ज्यादा नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आता है उसको सबसे पहले लिखो, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा कौन सा आता है। और ये कैसे पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा पुराने पेपर्स का सेट लो और उसको देखो कि सबसे ज्यादा क्या आता है। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज्यादा MBPSC के प्री एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है MPGK। कोई भी पेपर आप पुराने जो हो चुके हैं अभी तक, किसी भी पेपर को लेके देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं MPGK से और ज्यादा टफ नहीं आते, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा आपसे। और आपको अगर MPGK के बारे में नॉलेज है तो लगभग आप 20% सिलेबस कंप्लीट कर लोगे सिर्फ एक सब्जेक्ट से, वो क्या है, MPGK। तो यदि आपको MPPSC क्वालिफाई करना है तो सबसे अच्छा आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए पहले तो MPGK, ठीक है। इसके बाद हम धीमे धीमे देखते हैं, यहाँ पे देखिए विषय में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, MPGK। तो इसकी तैयारी आप हर टाइप से कीजिए, मतलब मैप के द्वारा, बहुत सारी बुकें आती है इसकी, एक बुक मैप की आती है, सारी मैप के रूप में उसने समझाया आपको, हर चीज मैप के रूप में समझाया है, ठीक है ना। तो इसको 2-3 बुकों से सबसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद जो अब आपने लूसेंट पढ़ी होगी, सभी लोगों ने लूसेंट में सबसे पीछे विविध का पोर्शन दिया है, ठीक है। वो विविध ऐसा है कि MBPSC वालों के लिए सबसे फेवरेट माना जाता है। हर बार कोई ना कोई संस्था पूछी जाती है कि जिनेवा में कौन सी संस्था है, यहाँ कौन सी संस्था है, कुछ ना कुछ उससे आता है और उसमें लगभग 20-25 पेज होंगे, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है वो MBPSC के लिए। तो उसकी तैयारी, अगर PSC की तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हो तो दूसरे नंबर पर जो वेटेज रखता है वो है विविध का पोर्शन। इतना ज्यादा वेटेज रखने वाला पूरा हिस्ट्री भी नहीं है, ना ही ज्योग्राफी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। तो इतिहास, भूगोल, संविधान का भी वेटेज नहीं है जितना कि लूसेंट का विविध का है। तो विविध को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर। आजकल तो ऐसा हो गया कि हर एग्जाम में आता है, कोई भी स्टेट का, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, करंट अफेयर के कम से कम नहीं तो 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। और PSC के लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यदि आप अच्छे से तैयारी काफी दिनों से कर रहे हो PSC की, तो करंट अफेयर कम से कम भी करो तो मैं बताऊं लगभग 7-8 महीनों की करंट अफेयर जो पुराने हैं, मतलब देखा जाए 2017 में लगभग मार्च से लेके दिसंबर तक पूरा करंट अफेयर, उसको जो मेन फैक्ट है, हर महीने के लगभग आएंगे आपको 80-100 क्वेश्चन, ठीक है ना। उसको मेन फैक्ट पढ़ लो कि कहाँ क्या है, जितने भी है ना, MBA से रिलेटेड करंट अफेयर आ सकता है और पूरा इंडिया का करंट अफेयर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इस पे बिल्कुल ध्यान देना। इसके बाद आता है SC ST एक्ट। ये तो आपको मालूम होगा, सिलेबस में डायरेक्ट दिया गया है SC ST एक्ट और हमेशा क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार नहीं आए ऐसे क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन थे, लेकिन SC ST एक्ट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इसका बेसिक है बिल्कुल, है ना, ज्यादा इसमें ज्यादा भी बहुत नहीं है कि सब टॉपिक में बहुत डिवाइड हो, ज्यादा नहीं। तो आप इसके मुश्किल से 4-5 पेज है मेन उनको अच्छे से पढ़ के और इससे 3-4 नंबर अच्छे से खींच सकते हो, ठीक है। इसके बाद मालूम है आपको स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, तो स्पोर्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए डिटेल में, ठीक है। कंप्यूटर तो ओवरऑल आने लगा है हर एग्जाम में, अभी पटवारी का एग्जाम चल रहा है उसमें भी 20 नंबर का आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे भाई बहन हो गए
जिन्होंने क्या है कि कंप्यूटर को अच्छे से तैयारी की होगी, है ना। मतलब पटवारी का एग्जाम दिया होगा तो कंप्यूटर की तैयारी वैसे ही करनी पड़ी होगी आप लोगों को, तो कंप्यूटर तो वैसे भी आपका कंप्लीट होगा लगभग, है ना। तो इसमें से कम नहीं तो 3 से 4 नंबर आपके हो जाएंगे, क्योंकि पिछली बार बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, बिल्कुल बेसिक आता है ना। कभी लैंग्वेज से नहीं आता कि C++, Java.NET, PHP इनके बारे में बहुत डिटेल में पूछ रहा है कि वर्ड क्या होता है, कोई फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल बेसिक पूछेगा आपसे, है ना, कि कितने बिट के बराबर है ना, एक बाइट कितने बिट के बराबर होती है, बिल्कुल जो नॉर्मल होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखा जाए इतिहास, भूगोल और संविधान, ठीक है, जो मैंने अभी तक डिस्कस किया इतना, ये पांचों ये 6 टॉपिक है समथिंग, MPG के विविध करंट अफेयर, SC ST Act और स्पोर्ट्स, ठीक है, और कंप्यूटर, इनसे आपका 50% लगभग कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 100 में से 50 नंबर लगभग इनसे आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा भी मैंने बोला ना कि MP PSC में सारे ही सब्जेक्ट आते हैं, कोई सब्जेक्ट इकोनॉमी से लेके सब कुछ आता है, हर सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, हर सब्जेक्ट कोई कम नंबर के आते हैं तो कुछ ज्यादा नंबर के आते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं इतिहास, भूगोल और संविधान, इन तीनों का वेटेज लगभग 30 नंबर होता है, मैं बता रहा हूँ लगभग, है ना, कभी कम हो जाता है तो कभी ज्यादा हो जाता है, लेकिन आपको इनको अलग से नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आपने इतिहास को भी उठा लिया तो 2 महीने में इतिहास कंप्लीट हो पाएगा, भूगोल उठा लिया तो 2 महीने में भूगोल हो पाएगा, क्योंकि बहुत विस्तृत है और नंबर आते हैं 7 से 8, किसी में 5-6 नंबर का आ जाएगा, किसी में 10-12 का आ जाएगा, मतलब और वो भी बेसिक आते हैं, तो इनको पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये हर किसी के लिए कॉमन है, कोई भी जीके की तैयारी करते हो ये तो सबसे पहले आप पढ़ते हो, क्या पढ़ोगे, इतिहास, भूगोल और संविधान, तो इसके बस थोड़ा सा रिवाइज कर लो जल्दी से और इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, 50% यहां से, 30% यहां से, हमारे टोटल हो जाते हैं 80%, बचते हैं 20%, वो कहां से आते हैं उसको देखो। इकोनॉमी आपने पढ़ी होगी, अर्थशास्त्र, है ना, इकोनॉमी से क्वेश्चन बनते हैं पीएससी में। इसके अलावा मानव की प्रकृति से संबंध क्या क्या है आपको मालूम है ना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और योजनाएं, हर पीएससी के एग्जाम में जितनी भी नई योजनाएं आती हैं, जरूरी नहीं कि वो एमपी लेवल पे आए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो योजना बना रही है, केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की योजनाएं जितनी भी हैं, सबके बारे में कब से स्टार्ट हुई, जो इम्पोर्टेंट है, मुख्य है, उनके बारे में बस पढ़ लीजिए, कुछ नहीं तो कम से कम 2 योजनाएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना, जो कि करंट अफेयर का हिस्सा है वैसे तो, लेकिन अलग से भी लिख दी क्योंकि करंट अफेयर में ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। जितने भी स्पोर्ट हो रहे हैं अभी भी, टेनिस का है ना, टेनिस वगैरह जो चल रहा है अभी, जो बड़े बड़े जो विश्व कप है ना, जो आने वाले 2018 में कौन सा विश्व कप कहाँ पे होगा, फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल का कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में 2018 में, ठीक है ना, और जो अभी क्रिकेट का होगा वो कहाँ पे होगा, वो इंडिया में 2019 में होगा, है ना, कौन से नंबर का, ये सब पता होना चाहिए आपको करंट अफेयर में, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका बनेगा लगभग 20% का, तो 20 नंबर का। तो कहने का मतलब सारे सब्जेक्ट जितने होते हैं, मैंने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को एक कैसे पता चला, ये पुराने पेपरों से आप जब देखोगे ना, पुराने पेपर जो अभी तक हुए हैं उस पर खुद देखोगे आप, तो सबसे ज्यादा MPPSC में MPGK का पोर्शन होगा, है ना, इस प्रकार ऐसे रहते हैं, ठीक है। विविध के क्वेश्चन हर बार आते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन हर किसी के मिलेंगे, कंप्यूटर के भी 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, इस टाइप से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़ो किसे, पढ़ना आपको उसको है अभी जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, जैसे कि मैं बोलूं SC ST Act, इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। मानव की प्रकृति से संबंध क्या क्या है इनको पढ़ो, योजनाएं पढ़ो अभी करंट की जो भी न्यू है, करंट अफेयर पढ़ो, ऐसी चीजें पढ़ो, क्योंकि आप अभी बहुत दिनों से पढ़ रहे हो कुछ लोग तो, है ना, जो लोग नए हैं उनके लिए तो मुश्किल है, लेकिन जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं या जो लोग पहले निकाल भी चुके हैं PSC, उनका क्या होगा कि वो लोग GK, मतलब GK में जो मेन मेन सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, संविधान और जो साइंस वगैरह है, विज्ञान हमारी, ये सब पढ़ा हुआ होगा। और कोई भी एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें ऑप्शन उसमें दिख ही जाता है, अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है, भूल भी गए हो तो आप लगा लेते हो कि इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग जो चीज नई है, जैसे करंट अफेयर हुआ, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे कोई तुक्का नहीं लग सकता, वहां पे आप कुछ सोच नहीं सकते नया, क्योंकि वो तो करंट का नया क्वेश्चन है ना, तो उसको जरूर पढ़ लेना। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी बुकों के बारे में कि कौन सी बुक ली जाए। बुक तो वैसे सभी अच्छी होती है, है ना, किसी MPGK के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि MPGK सबसे ज्यादा आती है। तो मध्य प्रदेश का जो परिचय के लिए एक बुक आती है अरिहंत की, एक आती है TMH की, है ना। तो इनमें से जो भी बुक आपके पास, अगर एक भी बुक है तो उसको पढ़ लीजिए, और है ना, अगर नहीं है तो इनमें से कोई ना कोई एक बुक ले लीजिए और उसे पढ़िए, उसको पूरे अच्छे से तरह से एक बार रिवाइज कर लीजिए।
ठीक है, करंट अफेयर की बात करते हैं तो आप सभी लोगों को मालूम है करंट अफेयर की बहुत सारी मैगजीन आती हैं, तो उनमें से एक मैगजीन है घटना चक्र, ये बहुत फेमस है एमपीपीएससी के लिए, है ना, क्वेश्चन से डायरेक्ट फंस जाते हैं कभी कभी। और इसके बाद जो एससी एसटी एक्ट है इसकी बुक आती है वेयर एक्ट नाम से, ठीक है ना, तो वेयर एक्ट बुक नाम से आती है, तो इसमें इसी के बारे में बताया है, उन्हें मालूम है एमपीपीएससी में एससी एसटी एक्ट आती है तो उसी के लिए स्पेशली वेयर एक्ट बुक आती है, तो उसको आप परचेज कर लीजिए और उससे थोड़ा बहुत स्टडी कर लीजिए, ठीक है ना। और ठीक है, बस मैं और ये बताना चाहता हूँ कि 50 दिन बचे हुए हैं अभी, 50 डेज लेफ्ट हैं, तो 50 दिन में आप सिलेक्शन वही का, सिलेक्शन केवल उसी व्यक्ति का होगा जो जिसकी तैयारी पहले से होगी, 50 दिनों में सिर्फ हम रिवाइज कर सकते हैं, तो जो लोग पहले से प्रिपेयर हैं उनके लिए ये ज़्यादा काम कर जाएगा, जो लोग बिल्कुल नए हैं उन्हें इसका एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। तो आप लोग बिल्कुल सभी सब्जेक्टों को समेट के चलना साथ में, कि ऐसा नहीं है कि इतिहास पढ़ लिया फिर भूल गए, जब ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया तो इतिहास को बोल दिया जा रहा है, बिल्कुल सबको कंबाइन करके चलते जाना है और धीमे धीमे सबको ओवरऑल सब पढ़ लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच।